दूसरे चक्कर बना दो पहले। अरे बड़ा कोरा ही हो, हुंकारो। चलो इसमें चढ़ जा। अरे भी लगता है जैसे मैंने ग्रिल खोला ना, ग्रिल ग्रिल में धाई बैठा हुआ यहाँ पे किनारे किनारे इधर धाई तब तब गया इधर को। सरकार ने एक अपना मीटर रेटर तैयार कर दिया है जो रीडिंग देने आ गया मेरे ख्याल से 11:30 बजे होंगे, 11:30 का समय। और ये अंकल जी को भी परेशान कर दिया इस मीटर रीडर में। ये देखिए भैया यहाँ कोई बिजली चोरी नहीं हो रही है, ईमानदार लोग हैं। आ जा भाई। छोड़ दो भाई, पेट लग जाते रहे। अभी अभी 4 या 5 महीने बच्चा होगा, अब पूरे कोशिश धैर्य करने की हमें भी और अपने आप को भी। देखिए मुझे पता तेरे दांत साफ करके देख कैसे काट रहा है। छोटा बच्चा चाहे इंसान का हो चाहे सांप का, शैतानी होता है। इसके द्वारा शायद एक आधा अंडा खाया गया है, कोई चिड़िया खोजता भी है। चिड़िया तो ऊपर है। रात को 11:30 बजे हैं और कृषाल जी का फोन आया। मैं भी अपना एक जुनून इन्हें बचाने का, इसलिए हम आगे रात को 11:30 बजे इसके वो देखा पीछे कहते ना गाय का खुर। देखो क्या काट रहा है, खतरनाक हो रहा है। देखो कुछ कह रहे हैं इसको, बिल्कुल बहुत प्यार से पकड़ा हुआ और गुस्से में। देखो कितना गुस्से में है, देवता तो यमराज है, देवता देवता कहीं नहीं है। थैली खोलो, थैली खोलो, पकड़ लिया तो बिल्कुल काबू है तो। मुंह पकड़ रखा ना, मुंह पकड़ रखा निकाल दे। जो है इधर चांदनी वाला भानी वाला में, कन्नर वाला भानी वाला में जो है मेरे घर में एक कोबरा जो है था इसमें ग्रिल में परामदे में। तो हमने जो है भाई साहब डोयाले से नाम किया उनका, पहले भैया उनको फ़ोन किया तो डोयाले में कहीं पे सांप पकड़ने जा रखे थे। तो उन्होंने जो है कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, वो आए और वो उन्होंने कोबरा को जो है पकड़ करके जो है उन्होंने बंद थैले में बंद कर दिया और ले गए। और यही है साथियों, ये आज का 5वां सांप है, 2 कोबरे और 3 धामन मेरे द्वारा पकड़े गए थे। अब मैं इसको 12 बज चुके हैं, इसको मुझे जंगल में छोड़ना है तो काफ़ी दिक्कत तो हो जाती है। अब इसको छोड़ना है इसके प्राकृतिक आवास में। बच्चा बहुत गुस्से में है, शायद इसने कुछ खा रखा है इसलिए ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है। और इसको देखो हम बचा के लाए हैं, अब इसकी हरकत कैसी होती है हमारे प्रति ये हम नहीं बता सकते। गुस्से में होगा, खड़ा होगा, आराम से जाएगा, ये इसकी प्रकृति है। कैसे जाते हुए ये 5वां सांप था आज का। पूरा दिन या रात भी, आधी रात भी हम कह सकते कि इनके लिए हमारा दिन रात इनके लिए ही है और इंसानों के लिए भी है। इंसान भी सुरक्षित रहें और ये प्रकृति जीव भी सुरक्षित रहे, तभी हमें अच्छा लगा कि हम जीवन में कुछ कार्य करने में सफल हुए।
सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप 108 को दे, वन विभाग को दे या हमें दे। वन विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया 1800 180 4141 पर आप फ़ोन करके उनको सूचना दे सकते हैं ताकि वो आपकी मदद को आ सके। वैसे तो हम भी कोशिश करते हैं कि समय पर पहुँच जाए, कई बार ऐसा होता है कि हम क्षेत्र में नहीं रहते, तो इसमें नंबर करके नंबर मिलाकर उनको बुला सकते हैं।